थाना वृंदावन पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने पिता की हत्या के बाद फरार घूम रहा था। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र के गांव बाटी में जमीनी विवाद को लेकर रामेश्वर और उसके पिता के बीच जमीन को लेकर विवाद हो रहा था कि तभी रामेश्वर ने डराने की नीयत से अपने पिता मोती सिंह पर लोहा के बांक से हमला किया और अचानक मोती सिंह खड़ा हो गया, जिसमें बांक मोती सिंह के सर में लग गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मोती सिंह की मौत हो गई। वहीं घटना करने के बाद मोती सिंह का पुत्र रामेश्वर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया और थाना क्षेत्र स्थित गांव मघेरा के समीप हनुमान मंदिर से रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक लोहे का बांका भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल अभियुक्त को विधिवत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। थाना वृंदावन के अंदर ये 14 तारीख को मोती सिंह, जो कि गांव बाटी के रहने वाले हैं, उसके संबंध में एक सूचना आई थी सुबह सुबह कि आनन फानन में इनकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। तुरंत से जो थाना पुलिस है वो मौके पे पहुंची, तब तक उनकी डेड बॉडी को पूरा जला दिया गया था, वहां पे कुछ नहीं बचा था। इसी संबंध में जब जानकारी मिली तो ये बात सामने आई कि जो मोती सिंह है उनकी उनके छोटा लड़का जो कि रामेश्वर है उससे सुबह ही कुछ विवाद हुआ था और वो विवाद उनका जो निजी कृषि फार्म और डेयरी का धंधा है उसके बंटवारे को लेकर हुआ था। उसी के संबंध में जो ये मोती सिंह है उसने डराने के हिसाब से जो बाका होता है धारदार हथियार उससे उनकी तरफ हमला करना चाहा डराने के लिए, लेकिन वो खड़े हो गए जैसा बताया गया है, जिससे उनके सर में चोट लगी। तुरंत उनको नैती अस्पताल लेके गए, वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में इस मोती सिंह ने कि कहीं ये फंस ना जाए, आनंद फानंद में बिना किसी को सूचना दिए इनकी डेड बॉडी को जला दिया। उसी के संबंध में उनके बड़े भाई जो मोती सिंह, इनका रामेश्वर का बड़ा भाई नरेंद्र है, उसने तहरीर दी थी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी के संबंध में रामेश्वर को आज गिरफ्तार किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।